देखिए, दुनिया भर के राम भक्तों का 490 साल का लंबा इंतजार जल्द ही खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अयोध्या में बनने वाले भव्य दिव्य अलौकिक राम मंदिर की शक्ल अब साफ होने जा रही है। पिलर पर बीम डाले जाने के ठीक बाद मंदिर का स्वरूप भी उभर कर सामने आने लगा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। पूरी अयोध्या, पूरा देश, पूरी दुनिया प्रभु राम के आकार ले रहे भव्य मंदिर की गवाह बन रही है। श्री राम की नगरी में बन रहे राम मंदिर की ये सबसे ताजा तस्वीरें हैं। मंदिर पर बीम चढ़ने के बाद मंदिर का स्वरूप नजर आने लगा है। अगले साल मंदिर में जब रामलला विराजमान होंगे तो वो भव्य और आकर्षक मंदिर कैसा होगा, उसकी साफ और खूबसूरत झलक दिखाई देने लगी है। बीम के पत्थरों में बहुत बारीक और आकर्षक नक्काशी की गई है। कुछ दिनों बाद मंदिर के गर्भगृह पर छत देखने को मिल सकती है। बीम के बाद छत बनाई जाएगी। छत को आकार देने के पहले भूतल के खंभों के ऊपर बीम रखने का काम शुरू हो चुका है। अब तक बीम की 16 शिलाएं मंदिर की दीवारों के शीर्ष पर जोड़ी जा चुकी हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने गुरुवार को मंदिर निर्माण की ताजा तस्वीरें शेयर की। चंपत राय ने बताया कि राम मंदिर ट्रस्ट की देखरेख में मंदिर निर्माण का कार्य बहुत तेज गति से चल रहा है। बीम का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा। श्री राम की जन्मभूमि पर रामलला के जिस मंदिर की कल्पना दशकों पहले की गई थी, वो कल्पना अब पवित्र धरा पर तेजी से साकार होती जा रही है। मंदिर के निर्माण में अब गर्भगृह का काम बेहद तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंदिर का प्रथम तल दिसंबर 2023 तक तैयार होना है। अगले साल मकर संक्रांति तक मंदिर के भव्य गर्भगृह में रामलला को प्रतिष्ठित करने का संकल्प है। इस बीच श्री राम के अभिषेक के लिए दुनिया भर की नदियों और समुद्र का जल इकट्ठा किया गया है। बीजेपी नेता विजय जौली की अगुवाई में दिल्ली के एक एनजीओ ने भारत, यूक्रेन और रूस समेत 7 महाद्वीपों और 155 देशों से पवित्र जल इकट्ठा किया है। जाहिर है राम मंदिर के निर्माण के लिए हर स्तर पर काम तेजी से चल रहा है। मई में राम मंदिर के दरवाजे भी तैयार होने शुरू हो जाएंगे। गर्भगृह के दरवाजों की चौखटों का निर्माण किया जाएगा। ये दरवाजे मध्य भारत की सबसे उम्दा किस्म की सागवान की लकड़ियों से तैयार किए जाएंगे। सागवान की इन लकड़ियों की खासियत ये है कि सैकड़ों सालों तक इनमें कोई खराबी नहीं आती। राम मंदिर परिसर में स्थित कुबेर टीला को सुंदर और आकर्षक बनाने की शुरुआत मई से होने की संभावना है। पिछले दिनों मंदिर निर्माण समिति की बैठक में इसके सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव और इसके डिजाइन पर चर्चा हुई। कार्यदायी संस्था ने इसका डिजाइन तय किया है। पहले टीले के आसपास समतलीकरण किया जाएगा, सड़कें तैयार की जाएंगी। दुनिया भर में श्री राम के करोड़ों भक्तों की आस्था को देखते हुए राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट को उम्मीद है कि जब 2023 के आखिरी महीने या 2024 के जनवरी में मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा और दर्शन की शुरुआत होगी, उस मौके पर दुनिया भर से लाखों लाख भक्त अयोध्या पहुंच सकते हैं। ऐसे में अभी से उन भक्तों के अयोध्या दर्शन की तैयारी शुरू की जा रही है। अयोध्या के आसमान में चक्कर काट रहा हेलीकॉप्टर उसी पहल की एक कड़ी है। रामलला मंदिर के अंदर दर्शन से पहले उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम ने आसमान से अयोध्या दर्शन की शुरुआत की है। हेरिटेज एविएशन की तरफ से शुरू की गई इस सेवा में श्रद्धालुओं और पर्यटकों को हेलीकॉप्टर से अयोध्या के दर्शन की सुविधा दी जा रही है। रामनवमी से शुरू हुई हेलीकॉप्टर सेवा 15 दिनों तक जारी रहेगी, जिसे बाद में बढ़ाया जाएगा। 2024 में मंदिर के उद्घाटन के साथ ही एक बार फिर आसमान से अयोध्या दर्शन की सुविधा श्रद्धालुओं और पर्यटकों को मिलने लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।